हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मातृ टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि एबीएस कैसे काम करता है और एबीएस के बारे में बताऊँगा कि एबीएस जो है क्या काम करता है, एबीएस का जो मतलब है उसका फुल फॉर्म बताऊँगा और एबीएस की लाइट अगर आ रही है तो दिक्कत क्या गाड़ी में आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। पहले तो मैं बता दूं कि एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। एबीएस में दो मॉड्यूल होते हैं, दो मोड होते हैं, मतलब कि एक प्रेशर इंक्रीज होता है, एक प्रेशर डिक्रीज यानी कि की मतलब छोड़ता है। और इसमें 12 वाल्व लगे होते हैं जो मतलब खुलता बंद होता है। तो मैं बता दूं कि एबीएस जो है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का एक सिस्टम है, मतलब यह एक ब्रेक का ही सिस्टम है। यह सिस्टम के दौरान गाड़ी फिसलती नहीं है, मतलब अगर एबीएस लगा है तो गाड़ी नहीं फिसलेगी। इस सिस्टम में ब्रेक मारने पर एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल जो मोटर लगा होता है वह एक सेकेंडों में कई बार खुलता है बंद होता है। तो उससे क्या है कि जो कार का ब्रेक है वो फिसलने नहीं देता, जिससे गाड़ी में ब्रेक रुक रुक करके लगता है और गाड़ी जो है बिना फिसले आराम से रुक जाती है। पहले की गाड़ियों में एबीएस नहीं लगा होता है, यही एबीएस है, देखिए कंट्रोल मॉड्यूल जिसमें चार पांच पाइपें लगी हुई हैं जो अंदर होइल में जाती हैं। तो एबीएस की अगर लाइट आ रही है, मीटर में शो कर रहा है, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपका एबीएस काम नहीं करेगा। उसको तुरंत किसी वर्कशॉप में दिखवाएँ, क्योंकि अगर एबीएस काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी जो है। तो दोस्तों, एबीएस की लाइट जो है बहुत ही ख़तरनाक होती है। अगर एबीएस लाइट आ रही है तो उसको मैकेनिक से दिखवा लीजिए और उसको लैपटॉप लगा के क्लियर करना होता है, या फिर कोई सेंसर ख़राब है, या फिर कहीं से चूहा तार वायर काट दिया है तो भी दिक्कत आएगी। वो सेंसर के माध्यम से जो है एबीएस काम करता है और इसमें जो यही पीली कलर की लाइट आ रही है एबीएस की, यही दिख करके क्लस्टर मीटर में आपके आएगा। और क्लस्टर मीटर में अगर ये लाइट आ रही है तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी जो है स्लिप करेगी और एबीएस काम नहीं करेगा। तो मैं आज के इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला था। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तब तक दोस्तों आप लोग इंतज़ार करिए, तब तक हम आप लोगों के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।